हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ये 20वां वीडियो है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज का ये 4था वीडियो है। इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, इफ टेन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा equals to I, then prove that alpha is indeterminate and beta is infinite. Alpha is indeterminate and beta is infinite. See, वीडियो नंबर 6 इसी प्लेलिस्ट का यही एग्जाम्पल वहां मिलेगा आपको, दूसरे अप्रोच से मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के अप्रोच से मिलेगा। यहां पर इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के अप्रोच से करेंगे, कुछ इस तरीके से। अल्फा प्लस आई बीटा को हम लिख लें टेन इनवर्स आई, और नीचे इसी का कंजुगेट लिख लें, अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस आई। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, अल्फा बीटा मिल जाएगा। दोनों क्रिया एक साथ करना, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। वी हैव, दोनों को ऐड करोगे मिलेगा 2 अल्फा, और इसमें से इसको घटाओगे तो मिलेगा 2 आई बीटा। टेन इनवर्स आयोटा प्लस टेन इनवर्स माइनस आयोटा, इधर टेन इनवर्स आयोटा माइनस टेन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। फार्मूला लगाइए, इम्प्लाइज दैट 2 अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, आई प्लस माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई इन टू माइनस आई, एंड 2 आई बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, आई माइनस माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इन टू माइनस आई। यहीं पर थोड़ा कर दिया जाए, इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0 अपॉन, देखो ये प्लस आई स्क्वायर माने 1 माइनस 1, और ये हो गया टेन इनवर्स 2 आई अपॉन 1 प्लस 1। इम्प्लाइज दैट 2 अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0 अपॉन 0, एंड इसमें दोनों तरफ टेन ले लो ताकि आई खपाना है ना, तो आई खपाने के लिए टेन 2 आई बीटा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा आई टेन हाइपरबोलिक 2 बीटा, आई बाहर आ गया उधर वाले आई से बैलेंस हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 आई अपॉन 2। इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स 0 बाई 0 विच इज इनडिटर्मिनेट, विच इज इनडिटर्मिनेट, एंड आई टेन हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू आई। इम्प्लाइज दैट टेन हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल्स टू 1। इम्प्लाइज दैट 2 बीटा इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 1। इम्प्लाइज दैट बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2
log 1 plus 1 upon 1 minus 1 is equal to 1 upon 2 log 2 upon 0 infinity और log infinity infinity होता है बराबर infinity. तो ये प्रूव करना था. अल्फा इनडिटर्मिनेट है और बीटा इनफाइनाइट है. एग्जाम्पल टू. सभी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे ही हम सेलेक्ट करके आपके सामने रख रहे हैं और क्वेश्चंस जब मैं सेलेक्ट करता हूं तो मेरे दिमाग में दो बातें रहती हैं. एक तो ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो, दूसरे एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस पूछे जाने लायक हो. एग्जाम्पल टू. If tan of theta plus I phi, if tan of theta plus I phi equals to alpha plus I beta, then sorry equals to cos alpha plus I sin, cos alpha plus I sin alpha, cos alpha plus I sin alpha, then prove that पहला थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर और दूसरा फाई इक्वल टू वन बाई टू लॉग टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू. ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के अप्रोच से हो सकता है वीडियो नंबर 6 में ये भी हो. इसे हम टेन इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट में ढाल के करेंगे. यहाँ से जैसे भी एग्जांपल वन किया था ना वैसे ही. थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू एग्जाम में सब आएंगे तो चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए. टेन इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और इसका कंजुगेट लिख लो. थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा. जोड़ दो घटा दो तो दोनों एक साथ लेकर नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाएगा. इसलिए बारी बारी से करेंगे. अतः नंबरिंग डाल दिया जाए. एडिंग वन एंड टू वी गेट टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ थोड़ा सा एक स्टेप मौखिक कर ले. टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी. कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी. ऊपर आ गया 2 cos अल्फा और नीचे हो गया 1 माइनस ब्रैकेट में z इंटू जेड बार इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 2 cos अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज दैट
2 theta equals to tan inverse 2 cos alpha upon, देखो 1 को और sin square alpha को एक साथ ले लो, तो 1 minus sin square cos square alpha, 1 minus sin square cos square minus cos square, cos square alpha minus cos square alpha equal to tan inverse 2 cos alpha upon 0 infinity. अगर principal value लेना होता तो सिर्फ हम लिख देते pi by 2, general values लेना है तो इसमें n pi हम जोड़ देंगे, n pi plus pi by 2. क्यों जनरल वैल्यू ले रहे हैं? क्योंकि हमको प्रूव करना है, हमें यह नहीं निर्देश है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें लिखना है थीटा बराबर इतना लाके दिखाओ, ये लाके दिखा दिया हमने, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन we get, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 2i phi equals to tan inverse a minus tan inverse b बराबर tan inverse a minus b upon 1 plus ab, दोनों तरफ tan भी ले लें वही i के लिए, tan 2i phi इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 2i sin alpha, नीचे हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर alpha प्लस cos स्क्वायर alpha इक्वल्स टू, या इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू हो जाएगी i tan हाइपरबोलिक 2 phi, इंटर रिलेशन सबको याद रखना होगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बुरी बात है, इक्वल्स टू 2i sin alpha अपॉन 1 प्लस 1 2, दोनों तरफ i कैंसिल हो गया, tan हाइपरबोलिक 2 phi इज इक्वल टू sin alpha, 2 लोकली कट गया, आई इधर से इधर कट गया, यही आ गया, अब आपको फाई को इस रूप में ढालना है, तो ये हो गया इम्प्लाइज दैट 2 फाई इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स साइन अल्फा, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर होता है 1 बाई टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, implies that phi equals to 1 by 2 tan hyperbolic inverse का भी आएगा 1 by 2, ये 1 by 2 इधर वाला है, अब फिर इस फार्मूले का 1 by 2 log 1 plus sin alpha upon 1 minus sin alpha equals to 1 by 4 log cos alpha by 2 plus साइन अल्फा बाई टू होल स्क्वायर, ठीक एक्सपेंड करके देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू वन हो जाएगा, प्लस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा हो जाएगा, उसी प्रकार से नीचे हो गया कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 4 लॉग कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 whole square, अब ये वाला जो 2 power है यहाँ आ जाएगा ना, equals to 2 by 4 log of cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 implies that phi equals to 1 by 2 log, देखो इसमें ऊपर भी नीचे भी cos अल्फा बाई टू कामन लेके काट दो तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन अल्फा बाई टू और नीचे बचेगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू
और यही रिजल्ट है, 1/2 लॉन्ग टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू की यही वैल्यू होती है, ये वाली इतनी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी से खोलोगे तो यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल थ्री, इसी जैसा ये भी प्रॉब्लम वही मिलेगा, ये हम दूसरे अप्रोच से सब बता रहे हैं आपको। इफ टेन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, देन प्रूव दैट नंबर एक, थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू, नंबर टू, ई टू द पावर टू फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट अल्फा बाई टू, बिल्कुल एक ही जैसे सब प्रॉब्लम्स हैं। इसे टेन इनवर्स के रूप में लिखने जा रहे हैं, थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, इस रूप में इसको कन्वर्ट कर लिए। इसका कंजुगेट लिखो नीचे, थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन अल्फा माइनस आई सेक अल्फा, बस एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एडिंग वी हैव टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, बराबर होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर आई सेक अल्फा कैंसिल हो जाएगा टू टेन अल्फा बचेगा, नीचे वन माइनस ब्रैकेट में जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इंप्लाइज दैट टू थीटा इक्वल्स टू, देखो हम लिख रहे थे हमारा पेज भर गया, जब पेज बदला करो तो लेफ्ट हैंड साइड भी उतारा करो, यही तरीका है, यही मैनर है, बच्चे नहीं उतारते इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। टेन इनवर्स टू टेन अल्फा अपॉन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू टेन अल्फा अपॉन माइनस टू टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टू से टू कैंसिल हो गया एक टेन कैंसिल माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ
tan of pi by 2 minus alpha, pi by 2 plus alpha. तो tan inverse tan theta लिखना होता प्रिंसिपल मान केवल, तो हम थीटा लिख देते, लेकिन चूंकि हमको व्यापक मान चाहिए n, हाँ जहाँ n दिखाई पड़े समझ लो व्यापक मान मांगा जा रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे n पाई प्लस यही एंगल पाई बाई टू प्लस अल्फा इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू n पाई बाई टू, ये पाई बाई टू है दादा, प्लस पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू, एक रिजल्ट हो गया। अब इक्वेशन नंबर वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग टू From one, we get. अब इधर हो जाएगा this minus this करेंगे तो 2i phi, और इधर tan inverse a minus b, a minus b upon 1 plus ab. दोनों तरफ tan भी ले लिया हमने इस i को बैलेंस करने के लिए, tan 2i phi इज इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा 2i sec alpha और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर alpha प्लस sec स्क्वायर alpha इक्वल्स टू 2i sec alpha अपॉन sec स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा, है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर। इधर इसका मान हो जाएगा i tan हाइपरबोलिक 2 phi इज इक्वल टू 2 i sec अल्फा अपॉन 2 sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया i अपॉन sec अल्फा, यानी i cos अल्फा, i cos अल्फा, ठीक किया ना, sec अल्फा कट के नीचे बचेगा ना sec अल्फा, तो ऊपर cos अल्फा हो गया। अब i दोनों तरफ कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट tan हाइपरबोलिक 2 phi, tan हाइपरबोलिक 2 phi इज इक्वल टू cos अल्फा, अब की बार जो आंसर लाना है वो लॉग में नहीं है, एक्सपोनेंशियल में, तो इसे हम लिखना है साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इम्प्लाइज दैट ई टू द पावर 2 फाई माइनस ई टू द पावर माइनस 2 फाई अपॉन ई टू द पावर 2 फाई प्लस ई टू द पावर माइनस 2 फाई, ऊपर भी अपॉन टू नीचे भी अपॉन टू कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन वन। अब हम दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो ले रहे हैं, टेकिंग अंश और हर के योग और अंश और हर के अंतर का अनुपात लेते हुए, टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी हैव, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 ई टू द पावर 2 फाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 ई टू द पावर माइनस 2 फाई, इधर आएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस अल्फा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला भी ऊपर उठ के जाएगा तो हो जाएगा e टू द पावर 4 फाई इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2, इम्प्लाइज दैट e टू द पावर 2 फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस
cot alpha by 2, यही लाना था, मुझे याद आ रहा है, देख लूँ, e to the power 2 phi equal to plus minus cot alpha by 2, बिल्कुल सही है। Now let us see example number 4. Example number 4. If tan of alpha plus I beta equals to x plus I y, then prove that number 1, x square plus y square plus 2x cot 2 alpha equals to 1, and number 2, x square plus y square minus 2y cot hyperbolic 2 beta plus 1 equals to 0. See video number 9. वहाँ पर भी यही सवाल मिलेगा, यही प्रॉब्लम, वहाँ अप्रोच है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, यहाँ इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, कुछ ऐसे, अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई, नंबर 1, एंड कॉन्जुगेट लिख लो, अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू tan inverse of x minus i y, number 2, adding 1 and 2, तो एक ही जैसे आज चार examples आपको हमने बताए, we get, और ये चारों examples trigonometric functions of complex entities के approach से भी हो जाते हैं, inverse trigonometric functions of complex entities के approach से भी हो जाते हैं, ऐसे और भी examples आपको मिलेंगे, ये आपका काम है, खूब अभ्यास करिए। 2 अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स दिस प्लस दिस, थोड़ा डायरेक्ट कर दें, 2x अपॉन 1 माइनस दिस इनटू दिस, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ टेन ले लिया जाए, टेन 2 अल्फा आ रहा ना, कॉट 2 अल्फा माने टेन 2 अल्फा का उल्टा, तो टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, और बस हो गया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों एक साथ कर सकते थे, जाने दो, बारी बारी सही करना है। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2x cot 2 अल्फा, अब देखो क्या सिद्ध करना है, उसी हिसाब से सेट कर लो, यानी इसको इसको उधर कर दो, 1 को एक तरफ छोड़ दो, हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x cot 2 अल्फा इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, from 1, we get 2i beta equal to tan inverse a minus b, a minus b आएगा 2iy upon 1 plus ab, a ये रहा, दोनों तरफ tan ले लिया जाए, tan 2i beta is equal to 2iy upon 1 plus x square plus y square implies that I tan hyperbolic 2 beta equals to 2iy upon 1 plus x square plus y square, दोनों तरफ I cancel हो गया, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, implies that 1 plus x square plus y square equal to 2y upon tan hyperbolic 2 beta is equal to 2y
cot hyperbolic 2 beta. अब देखो कैसे सेट करना है, यानी इसको इधर लेते आओ, बस हो गया. Implies that x square plus y square minus 2y cot hyperbolic 2 beta plus 1 equals to 0. वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए. अभी इस प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिलेंगे. ये था वीडियो नंबर 20. अगले वीडियो में हम एग्जांपल्स का क्रम जारी रखेंगे. अभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको मैं बताना ही चाहूँगा, और उसके आगे भी वीडियो नंबर 22 में भी मैं एग्जांपल का क्रम जारी रखूँगा. तो इसका मतलब अगले दो वीडियोस में आपको एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.